ड्रैगन पर चलेगा डंडा। ऋषिक सुनेन ने ड्रैगन को बताया नंबर वन खतरा। बोले ब्रिटेन पीएम बनने पर लूंगा सख्त एक्शन। ब्रिटेन में प्रधानमंत्री पद की दौड़ अब रोचक मोड़ पर पहुंच चुकी है। भारतीय मूल के ब्रिटिश नागरिक ऋषिक सुनेन इस रेस में सबसे आगे हैं। इस बीच ऋषिक सुनेन ने चीन को लेकर एक बड़ा बयान दिया है। उन्होंने अपने एक बयान में कहा है कि अगर वो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बनते हैं तो एशियाई महाशक्ति चीन के खिलाफ सख्त कार्रवाई करेंगे। सुनेन ने चीन को घरेलू और वैश्विक सुरक्षा के मद्देनजर सबसे बड़ा खतरा करार दिया और कहा कि वो नंबर वन खतरा है। दरअसल सत्तारूढ़ कंजर्वेटिव पार्टी की लीज ट्रेज ने उन पर चीन और रूस पर कमजोर होने का आरोप लगाया था। इसके जवाब में सुनक का ये बयान सामने आया है। आपको बता दें ब्रिटिश प्रधानमंत्री की दौड़ में शामिल एक अन्य प्रतिद्वंदी लीज ट्रेज ने ऋषिक सुनक पर चीन और रूस को लेकर नरमी बरतने का आरोप लगाया था। इसके जवाब में ऋषिक सुनक ने चीन को लेकर अपनी ये प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने वादा किया है कि अगर वो ब्रिटेन के अगले प्रधानमंत्री बनते हैं तो चीन पर सख्त रहेंगे। इससे पहले चीन की सरकारी मीडिया ग्लोबल टाइम्स ने अपने एक लेख में ब्रिटिश प्रधानमंत्री पद की दौड़ में शामिल ऋषिक सुनक को ब्रिटेन चीन संबंधों को बेहतर करने पर एक स्पष्ट और व्यवहारिक दृष्टिकोण रखने वाला उम्मीदवार बताया था। अब चीन को लेकर ऋषिक सुनक का ये बयान चीनी सरकार के लिए एक बड़ा झटका है। गौरतलब है कि ऋषिक सुनेन ने दावा किया है कि चीन ब्रिटेन की तकनीक चुरा कर उनके विश्वविद्यालयों में घुसपैठ कर रहा है। उन्होंने कहा कि चीन रूसी तेल खरीदकर विदेश में व्लादिमीर पुतिन को बढ़ावा दे रहा है और ताइवान सहित पड़ोसी देशों को धमकाने की कोशिश कर रहा है। सुनक ने कहा, हम अपने विश्वविद्यालयों से चीनी कम्युनिटी पार्टी को बाहर निकाल देंगे। इसके अलावा उच्च शिक्षा संस्थानों को मिलने वाली $60,000 से ज़्यादा विदेशी फंडिंग की जांच करेंगे। साथ ही सुनक ने आगे कहा कि चीनी जासूसी से निपटने के लिए ब्रिटेन की घरेलू जासूसी एजेंसी M15 का इस्तेमाल किया जाएगा और साइबर स्पेस में चीनी खतरों से निपटने के लिए नाटो स्टाइल में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग का इस्तेमाल करने की कोशिश की जाएगी। उन्होंने कहा कि बस बहुत हो गया, लंबे समय से ब्रिटेन और पूरे पश्चिम में राजनेताओं ने लाल कालीन बिछाया है और चीन की नाबाक गतिविधियों और महत्वाकांक्षाओं से आंखें मूंद ली। मैं इसे पहले दिन पीएम के रूप में बदलूंगा। इस खबर में फिलहाल इतना ही। बन रही है वन इंडिया हिंदी के साथ।